नमस्कार दोस्तों, आज हम स्क्रू गेज की सहायता से दिए गए तार का व्यास ज्ञात करेंगे। इसके लिए स्क्रू गेज में एक मुख्य पैमाना होता है, दूसरा वृत्ताकार पैमाना होता है जिसको मुख्य पैमाने पर आगे या पीछे सरकाया जा सकता है। जिस तार का हमें व्यास ज्ञात करना है उसे हम इन दोनों सिरों के बीच में इस प्रकार से लगाते हैं। ये देखिए, इसमें जैसे ये टाइट हो जाएगा इसमें ये रेचट की आवाज आने लग जाएगी। इसको हमें ज्यादा नहीं कसना चाहिए। इसमें हम देखते हैं मुख्य पैमाने की रीडिंग, ये आती है लगभग 0। उसके बाद वृत्ताकार पैमाने की रीडिंग देखते हैं तो लगभग ये 50 के लगभग आती है। इन्हीं को हम नोट कर लेंगे। दूसरी रीडिंग लेने के लिए वापस इस तार को दूसरी जगह से लगाया जाता है तथा इसी प्रकार से दूसरी रीडिंग ली जाती है। देखिए, आप दूसरी रीडिंग के लिए भी मुख्य पैमाने की रीडिंग 0 आ रही है तथा वृत्ताकार पैमाने की रीडिंग लगभग 52 के लगभग आती है। इस प्रकार से हम 5 प्रेक्षण लेंगे और कुल पाठ्यांक ज्ञात करेंगे तथा माध्य व्यास ज्ञात कर लेंगे। धन्यवाद।